हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ बनाने जा रहा हूँ, वो मैं दो जजमेंट्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो सिविल प्रोसीजर कोड की दो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स है जुरिसडिक्शन के ऊपर। और ये मेरा पहला वीडियो है आपके साथ सीपीसी के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि मैं लाइव सेशन करूंगा, तो किन्हीं भी कारणों की वजह से मैं लाइव सेशन इस वीक नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीक से लाइव सेशन कंटिन्यू करूंगा सीपीसी का। तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सीपीसी का जुरिसडिक्शन का है, उसके ऊपर दो जजमेंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कशन कराऊंगा। और आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि अगर आपको सीपीसी का कंटेंट मेरा समझ में आता है, जजमेंट समझ में आती है, तो फिर मैं आपके साथ फर्दर कंटिन्यू करूंगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिए। मेरे चैनल पे आपको सीआरपीसी की 28 वीडियोस अवेलेबल है और मैं अभी भी कंटेंट बना रहा हूँ कंटिन्यूस में। एविडेंस की मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, लेबर लॉस की 60+ वीडियोस अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी का नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर होने वाला है, उसके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा। 12 से ज़्यादा कवरेज ऑफ द एक्ट मैंने करवा रखा है, तो आप एक बार ज़रूर चैनल चेक करना। तो आज जो मैं जजमेंट आपके साथ सीपीसी की जुरिसडिक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ कि जुरिसडिक्शन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, सीपीसी की टर्म में, सिविल प्रोसीजर कोड में, जो कि एक प्रोसीजरल लॉ है, जुरिसडिक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जुरिसडिक्शन ही वो एक अथॉरिटी है, वो एक पावर है जो किसी कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को एम्पावर करता है किसी मैटर को टेकअप करने के लिए, किसी मैटर को एंटरटेन करने के लिए, किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए, किसी मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए। कि अगर मैं बोलूं कि अगर किसी कोर्ट के पास किसी पर्टिकुलर मैटर में जुरिसडिक्शन नहीं है और उसके बाद बिना जुरिसडिक्शन हुए वो उस मैटर को डिसाइड कर देती है, तो वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाता है आपका नल एंड वॉइड, बिकॉज द जुरिसडिक्शन गोज टू द वेरी रूट ऑफ द मैटर। अगर किसी चीज की जुरिसडिक्शन नहीं और कोर्ट उसको फिर भी डिसाइड कर रही है, तो उस केस में वो जो ऑर्डर है पूरा नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो डिक्री है वो पूरी नल एंड वॉइड हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है और मान लीजिए फिर भी वो कोई इलीगल ऑर्डर या फिर कोई गलत ऑर्डर पास कर देती है, तो उस केस में फिर अपील का ऑप्शन है आपको। लेकिन जहां पे जुरिसडिक्शन ही नहीं है वहां पे वो ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। आप लोगों ने अपनी सीपीसी में पढ़ा होगा कि जुरिसडिक्शन अलग अलग प्रकार की होती है। सेक्शन 9 स्पेसिफिकली जुरिसडिक्शन के ऊपर बात करता है सीपीसी का, जिसपे मैं आपकी डिटेल डिस्कशन भी कराऊंगा और वहां पे इन जजमेंट्स को मेंशन भी करूंगा, बट मैं अभी इनको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जुरिसडिक्शन आपकी सब्जेक्ट मैटर की हो जाती है, जैसे कि रेंट का मैटर है तो इस पर्टिकुलर एरिया में जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैटर, हालांकि नेगोशिएबल आपका मजिस्ट्रेट के पास जाता है, सिविल प्रोसीजर में नहीं है वो। आपका रिकवरी ऑफ सूट का मैटर है तो इसमें जाएगा, प्रॉपर्टी का मैटर है तो कहीं और जाएगा। या फिर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है, जैसे कि द्वारका कोर्ट में द्वारका एरिया का मैटर लगेगा, द्वारका में उत्तम नगर का मैटर लगता है। अगर आपका 30,000 है तो 30,000 में आपका तिलक नगर का, हरिनगर का मैटर लगता है। वेरस पटियाला हाउस कोर्ट है तो वहाँ पे सीपी सर्कल का मैटर लगता है। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आपकी एरिया वाइज बटी होती है। उसके बाद आती है आपकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो देखिए, हाई कोर्ट और दूसरे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तो ऐसी कोई मॉनेटरी जुरिसडिक्शन है नहीं, वो कितना भी मैटर, कितने का भी मैटर टेकअप कर सकते हैं, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़। मगर दिल्ली के अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करूं, तो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ 2 करोड़ तक के, जिनका जो वैल्यू ऑफ द सूट है, जिनका 2 करोड़ तक के वैल्यू होती है, वही मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटरटेन किए जाते हैं। उससे ऊपर के मैटर आपके दिल्ली में हाई कोर्ट में लगते हैं। अदर देन दैट, दूसरे स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में मैटर लगता है, वहाँ पे कोई लिमिट का ऐसा इशू है नहीं। तो सबसे पहली जजमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये 1954 की, और आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप जुरिसडिक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये जजमेंट्स पढ़नी ही पढ़नी है। 1954 सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। अब इसमें हुआ क्या, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें हुआ कुछ यूं कि ये जो प्लेंटिफ है, जो किरण सिंह था, इसमें इसने एक जमीन ली लीज पे, और जमीन लेने के बाद कुछ एकड़ इसने जमीन परचेज करी। तो जिस डिफेंडेंट से, इसमें काफी सारे डिफेंडेंट है, चमन पासवान एंड अदर्स, तो जिससे इसने जमीन ली थी उसने जमीन दे दी। अब हुआ क्या कि कुछ 10-11 डिफेंडेंट्स, स्टार्टिंग के डिफेंडेंट नंबर 1 से लेकर डिफेंडेंट नंबर 11, ये लोग इसकी जमीन पे आए और इनको यहां से, मतलब इसको जमीन से डिस्पोजेस कर दिया और बोला कि इस जमीन पे तो हमारा हक है। और उसने जो भी एग्रीमेंट्स है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट इसको दिखाए। तो किरण सिंह ने जब लोअर कोर्ट में केस किया, तो लोअर कोर्ट में केस का जो उसने वैल्यू फाइल करी, वो 1990 रुपये के आसपास कुछ
सूट की वैल्यू थी प्लस उसने मीन प्रॉफिट जितना टाइम मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखे थे वो डिफेंडेंट्स, उसका रेंट मांगा उसने तो मीन प्रॉफिट्स भी डिमांड करा था उसने, तो कुछ 1000 रुपए के आसपास था। ठीक है जी, इसका जो सूट था वो डिसमिस हो गया, चलिए ये केस हार गया। अब मैटर गया इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में मैटर गया तो वहां पे भी कोर्ट ने जब डॉक्यूमेंट्स देखे डिफेंडेंट्स के, तो जिन डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट्स ने इसको डिस्पोजेस किया था, वो जमीन से निकाला था, तो उनके जब डॉक्यूमेंट्स देखे वो तो काफी पक्के डॉक्यूमेंट्स थे और उनको देख के बिल्कुल लग रहा था कि हाँ इसका तो डिफेंडेंट्स का राइट है यहाँ पे, यहाँ पे प्लेंटिफ का तो कोई राइट बनता नहीं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप उसे अपीलेंट बोल लीजिए क्योंकि प्लेंटिफ हार गया था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपका जो अपीलेंट है वो केस हार गया। अब अपीलेंट ने सेकेंड अपील फाइल करी, और अगर आपको सिविल प्रोसीजर कोड में सेकेंड अपील के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो तो मैं उसको फर्स्ट अपील से डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ। देखिए, जब आप सिविल प्रोसीजर कोड में फर्स्ट अपील करते हैं तो वहाँ पे आप इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ दोनों पे अपना मैटर लेके जा सकते हैं, मगर जब आप सेकेंड अपील करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में लगती है, ध्यान रखना, फर्स्ट अपील आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लग जाती है, फर्स्ट अपील जहाँ पे ऑर्डिनरी अपील लाइज करनी चाहिए वहाँ लगती है, मगर जो सेकेंड अपील होती है जो आपकी सेक्शन 100 में मेंशन है आपकी, वो आपकी लगती है कहाँ पे, सिर्फ हाई कोर्ट में। और सेकेंड अपील में आपका मैटर तभी टेकअप किया जाता है, हाई कोर्ट आपका मैटर तभी एंटरटेन करता है जब उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, जब उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब कि वहां पे हाई कोर्ट आपका इशू ऑफ फैक्ट पे डिस्कशन नहीं करता, जो आपका ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर लिया इशू ऑफ फैक्ट पे, जो भी एविडेंसेस के थ्रू जो भी चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कोर्ट में, आपके लोअर कोर्ट में वो चीज एस्टैब्लिश हो गई, और फर्दर उस बात को हाई कोर्ट सेकंड अपील में छेड़ेगा नहीं, उसको कोई टच नहीं करेगा। हाई कोर्ट सिर्फ इतना देखेगा कि वहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की एक लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको बता देता हूं आगे, तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। तो यहाँ पे जब सेकंड अपील फाइल करने गया वो हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने इसकी सूट का वैल्यूएशन किया, तो सूट का वैल्यूएशन करने के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आई कि इसने ऑलमोस्ट 1990 अपना जो जमीन का वैल्यू था वो लगाया था और 1000 रुपए मीन प्रॉफिट लगाया था, मगर जब हाईकोर्ट ने वैल्यू करा तो हाईकोर्ट ने कुछ 9980 रुपीज के आसपास का सूट वैल्यू करा। हाईकोर्ट ने बोला कि आपके जो सूट का एक्चुअल वैल्यू बनता है वो 9980 बनता है। अब यहाँ पे जो अपीलेंट था उसको एक मौका मिल गया ये कहने का कि सर अगर 9980 रुपीज मेरे सूट की वैल्यू बनती है तो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट जज ने इनफैक्ट मेरा फर्स्ट अपील एंटरटेन किया, तो इस लॉजिक के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो ज्यूरिसडिक्शन थी ही नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज 9990 रुपए का मैटर तो टेकअप कर ही नहीं सकता, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। मतलब कि अपीलेंट ने बोला कि हाईकोर्ट कह रही है कि आपका 10,000 के आसपास का जो सूट का वैल्यूएशन है, तो यहाँ पे अपीलेंट का लॉजिक ये था कि अगर मेरे सूट का वैल्यूएशन 10,000 है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसने मेरे अपील को 3,000 रुपए के आसपास पे वैल्यू किया, 1990 रुपीज के आसपास मेरा वो वैल्यू था और बाकी 1,000 रुपए मीन प्रॉफिट था, तो 10,000 वाले सूट को वैल्यू करने का राइट या ज्यूरिसडिक्शन तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास था ही नहीं। तो यहाँ पे अपीलेंट ने हाईकोर्ट से क्या रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे अपीलेंट ने ये बोला कि आप क्या करिए, मेरा जो फर्स्ट अपील है उसको तो हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? हालांकि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अपीलेंट वहां पे फर्स्ट अपील में हार गया था, तो इसीलिए अपीलेंट ने चालाकी करके बोला आप मेरी फर्स्ट अपील को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरी फर्स्ट अपील को सुना उसके पास तो टेक्निकली ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए मेरे सूट का वैल्यू है, 10,000 रुपए की वैल्यू का सूट तो एंटरटेन कर ही नहीं सकता डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये तो बिना ज्यूरिसडिक्शन का। और जो मैं अभी सेकेंड अपील हाईकोर्ट में डाल रहा हूं, आप टेक्निकली इसको फर्स्ट अपील मानिए। यहाँ पे अपीलेंट की जो कंटेंशन थी, अपीलेंट ने जो दरख्वास्त करी उसने बोला कि जो लोअर कोर्ट में मेरी अपील लगी है फर्स्ट अपील, वो तो बिना ज्यूरिसडिक्शन के कैसे, क्योंकि वो पेक्यूनरी लिमिट से बाहर है। आप ही तो कह रहे हैं कि 10,000 का मेरा सूट है, तो टेक्निकली अब जो मैं सेकंड अपील मान रहा हूं, जो फाइल कर रहा हूं हाई कोर्ट में, वो सेकंड अपील होनी नहीं चाहिए, वो तो फर्स्ट अपील होनी चाहिए। तो यहां पे मुझे इशू ऑफ लॉ प्लस इशू ऑफ फैक्ट प्लस इशू ऑफ फैक्ट दोनों पे सुना जाना चाहिए। अब ये अपीलेंट की कंटेंशन थी, क्योंकि अगर हाईकोर्ट में डाली हुई सेकेंड अपील फर्स्ट अपील मानी जाती तो फिर हाईकोर्ट में इशू ऑफ फैक्ट पे भी जजेस सुनते, मगर अगर हाईकोर्ट में डाली हुई सेकेंड अपील ही मानी जाएगी तो वहां पे जजेस आपके जो मैटर है इशूज ऑफ फैक्ट के उसको नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे
जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज से डिनाई नहीं किया, हालांकि हाई कोर्ट ने इसकी ऐसी कोई प्ली एंटरटेन नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से डिनाई नहीं किया कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन कोई भी ऑर्डर नल एंड वॉइड होता है, ये तो है। मगर इस वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पे फर्स्ट अपील में मैटर लगा था अपीलेंट का, वहां पे प्रॉपर एविडेंसेस के साथ मैटर लगाया गया है, अपीलेंट को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी बात कहने का, किसी भी प्रकार का प्रोसीजरल एरर नहीं है वहां पे, किसी भी प्रकार का जो फर्स्ट अपील लगी थी वहां पे कोई डिफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, एरर एग्जिस्ट नहीं करता, डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी प्रकार का अपीलेंट को प्रेजुडिस नहीं हुआ था फर्स्ट अपील में। तो हम ये कैसे कह दें सिर्फ इस बेसिस पे कि नहीं 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 अपीलेंट के पास तो अपीलेंट की जो सेकंड अपील हाईकोर्ट में लगी थी वो फर्स्ट अपील है, ये नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे जो अपीलेंट की कंटेंशन थी ना कि मेरी सेकंड अपील को सेकंड अपील ना माना जाए हाईकोर्ट में, उसको फर्स्ट अपील माना जाए, तो उस कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया और उसकी अपील को डिसअलाउ कर दिया, अपील को अलाउ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की। क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि उसने बोला कि जो फर्स्ट अपील में आपका मैटर लगा था, तो फर्स्ट अपील में मानते हैं वहां पे अगर बिना ज्यूरिसडिक्शन के डिस्ट्रिक्ट जज के पास 10,000 के मैटर को देखने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मगर वहां पे जो आपने अपनी सूट का वैल्यूएशन किया था उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जज ने वहां पे ट्रायल कंडक्ट कराया था, अपील कंडक्ट कराई थी। आपने जो अपनी सूट का वैल्यूएशन किया था, जो 3,000 रुपए ऑलमोस्ट आपने किया था, 1980 या 1990 रुपए प्लस 1,000 मीन प्रॉफिट्स था, तो उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील कंडक्ट कराई थी। तो उसके बेसिस पे जब डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील कंडक्ट कराई, आपको किसी भी प्रकार का प्रेजुडिस नहीं हुआ, प्रॉपर आपका फर्स्ट अपील में आपको सुना गया, एविडेंस पे सुना गया, फैक्ट्स पे सुना गया, लॉ पे सुना गया। तो आज आप ये कैसे कह सकते हो एज एन अपीलेंट कि नहीं 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 हाईकोर्ट में जो मेरी सेकेंड अपील लग रही है उसको सेकेंड अपील ना मान के उसको फर्स्ट अपील माना जाए। तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किरण सिंह वर्सेज चमन पासवान की इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की इस अपील को, इस कंटेंशन को खारिज कर दिया और बोला नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो भी फर्स्ट अपील लगी थी वो फर्स्ट अपील एकदम वैलिड थी, उसमें अपीलेंट को किसी भी प्रकार का कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ था। अब चलते हैं हम दूसरी जजमेंट में जो कि इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जजमेंट है आपकी ऑफिशियल ट्रस्टी वेस्ट बंगाल वर्सेस सचिंद्रनाथ 1968 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ट्रस्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस के ऊपर बात करी गई। पहले मैं इस जजमेंट की आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूं ताकि आपको ये जजमेंट का जो एंगल है वो ज्यादा ढंग से समझ में आए। देखिए, ये एक व्यक्ति है, इसने एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करी, और ये एक सेटलर है इसके फेवर में, सेटलर के फेवर में ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करी, और इसके तहत इसकी वाइफ को, सेटलर की वाइफ को एक पर मंथ एक अमाउंट मिलना था, ठीक है। उसके अलावा अगर वाइफ की जब डेथ हो जाती तो उसके बाद दो बच्चे थे, दो बच्चों को, उसमें से एक बच्चा सचिंद्रनाथ भी था, तो एक बच्चा मतलब दोनों बच्चे को अपना इक्वल शेयर मिल जाता, ठीक है, जब वो अपने मेजर हो जाते और वाइफ की जब डेथ हो जाती उसके बाद उनको इक्वल शेयर मिल जाता, वाइफ को कुछ 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलना था, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो ट्रस्ट डीड बनी हुई थी ट्रस्ट, इसके अंदर एक क्लॉज था कि अगर ट्रस्ट में जो डीड में किसी भी प्रकार का वेरिएशन करना है तो वो जो किसी भी प्रकार का वेरिएशन उस डीड में किया जाएगा वो बाय विल किया जाएगा, जो कि विल आपको पता है बाय विल अगर आप कोई वेरिएशन करते हो तो वो इफेक्ट कब होते हैं, किसी के मरने के बाद। तो यहां पे सेटलर ने क्या किया, सेटलर ने हाईकोर्ट में अप्लाई किया और बोला कि ये जो बाय विल वाला क्लॉज है इसको बदल, इसके साथ में इंटर विवोस क्लॉज भी डाला जाए कि अगर ट्रस्ट के किसी ट्रस्ट वाली जो डीड है उसके अंदर किसी भी
क्लॉज को आपको अल्टर करना है, चेंज करना है, तो उसमें बाय विल वाला जो क्लॉज है कि ठीक है वो क्लॉज एग्जिस्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें इंटर व्यूज का क्लॉज निकल गया। इंटर व्यूज का मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ, अगर आप अपने लाइफ के दौरान ही किसी चीज को इफेक्ट में लाते हो दैट इज कॉल्ड इंटर व्यूज। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कभी भी होती है दैट इज ऑलवेज इंटर व्यूज, जो पैदा नहीं है या जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके पेपर में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उस क्लॉज को ऐड करने के लिए हाई कोर्ट ने, कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपील मैटर डाल दिया, पिटीशन डाल, एप्लीकेशन डाल दी गई। और वहां पे जब मैटर डाला, एक तो ये मैटर था, दूसरा सेटलर ने बोला कि जो ऑफिशियल ट्रस्टी है वेस्ट बंगाल का उनको इसमें ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया जाए। तो ठीक है जी, दोनों चीजें हो गई, ट्रस्टी अपॉइंट हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इसमें जो असली कंटेंशन रेज हुआ, वो कंटेंशन क्या, वो प्रॉब्लम क्या, उसको समझिए। इस क्लॉज को चेंज करने के बाद वो जो बच्चे थे उनको कुछ मेयर ₹20 पर मंथ मिल रहा था। क्लॉज चेंज हो चुका था क्योंकि बाय विल अगर कोई वेरिएशन आना था इंटरेस्ट में, जो भी जिसके पेपर में इंटरेस्ट जाना था उसमें कोई भी वेरिएशन आने के पहले बाय विल से करते, उसके बाद आप उससे इंटरव्यू उसका क्लॉज भी सेटलर ने ऐड करा दिया था, तो जिसके बाद ₹20 पर मंथ उसको मिल रहा था और उसके बाद एक ऑफिशियल ट्रस्टी भी अपॉइंट हो गया था। तो अब यहाँ पे सवाल आया कि क्या ये चीज ट्रस्ट में अल्टरेशन करी जा सकती है, क्या जिसने हाईकोर्ट ने जब इसको चेंज किया था तो क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन था या नहीं था, इस बारे में बात किया गया कि क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन था या नहीं था। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सेक्शन 34 ट्रस्ट एक्ट का रेफर किया गया, बोला गया कि क्या इसके पावर के तहत उस चीज को किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। तो जरा मैं ट्रस्ट एक्ट का वो प्रोविजन आपको बता देता हूँ। ट्रस्ट एक्ट का वो प्रोविजन कहता है कि ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ट्रस्ट के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई चेंजेस हैं तो वो ट्रस्टी कर सकता है, उसके पास अधिकार है। ट्रस्ट के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस करने वो उसके पास अधिकार है, वो चेंजेस कर सकता है। अब यहाँ पे ये वाली तो बात है, लेकिन जिस क्लॉज को चेंज किया गया है जो बाय विल था, बाय इंटरव्यू था, वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो लॉस था नहीं। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को चेंज करने के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट थी जिसने एप्लीकेशन एंटरटेन की थी, उसके पास कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये वाला जो चेंज है जिसमें इंटरव्यू क्लॉज में ट्रस्ट डील में ऐड किया गया, वो वाला चेंज आपके ट्रस्ट एक्ट के पावर के अंदर आता ही नहीं है। और हाई कोर्ट ने इसी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी तरीके से इनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी और ज्यूरिसडिक्शन के बिना इन्होंने ये चेंजेस ले आए, क्योंकि ये ट्रस्ट के मैनेजमेंट या ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कहीं क्लॉज बात ही नहीं कर रहा। ये तो कहीं बात ही नहीं कर रहा कि ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना, उसमें चेंजेस लाओ, ये तो किसी और मैटर के रिगार्डिंग बात कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे ये जो बाय विल चेंजेस किए गए हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। और ट्रस्ट एक्ट हालांकि आपको एम्पावर करता है ट्रस्टी को कि वो किसी एनी अदर मैटर पे भी अपना काम कर सकता है, एक एप्लीकेशन लगा के उसमें एनी अदर मैटर पे ट्रस्टी चेंज ला सकता है ट्रस्ट वाले रूल्स के अंदर, ट्रस्ट जो ट्रस्ट उसके पेपर में किया गया उसके अंदर वो चेंजेस ला सकता है। मगर ये जो विल वाली बात थी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त थी जो ट्रस्ट में डाली गई थी। तो इसको जब चेंज करके, मतलब बाय विल के साथ इंटर रिवोर्स का क्लॉज लगा दिया गया कि अगर कल को किसी का ट्रस्ट में इंटरेस्ट चेंज करना है, इंटरेस्ट मतलब वो कि कल को किसी के राइट्स में चेंजेस लाने हैं, तो उसमें विल के थ्रू चेंजेस लाने की जरूरत है, आप इंटर रिवोर्स में ड्यूरिंग द लाइफ भी चेंज किसी के राइट्स में कर सकते हो। तो वो चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वो आप चेंज नहीं कर सकते और आपके पास उस चीज का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और अगर आपके पास उस चीज का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो आप उसको अगर एंटरटेन करते हो, उस प्रकार का ऑर्डर वॉइड हो जाता है, याद रखना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली कि अगर किसी भी कोर्ट के पास वो ज्यूरिसडिक्शन होती है और उसके बाद वो कोई लीगल ऑर्डर पास कर देता है, तो उसका इलाज है, उसकी रेमेडी है कि उसको अपील में चेंज कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। मगर अगर वो कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही कंटेंड नहीं है और उसके बाद वो कोई ऑर्डर पास करती है, तो वहां पे दैट गोज एट द वेरी रूट ऑफ द मैटर। तो इसलिए दैट विल बी हेल्ड टू बी वॉइड, दैट विल बी हेल्ड टू बी नल एंड वॉइड। तो ये दो जजमेंट्स लैंडमार्क मैंने आपके साथ डिस्कशन करी। आई होप आपको जजमेंट समझ में आई होगी सीपीसी की। मैं सीपीसी पे कंटेंट आपको लाऊंगा, इससे पहले मैं कुछ जजमेंट्स और आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा सीपीसी की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।